नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी इमरजेंसी एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जो सच में आपके इमरजेंसी में काम आएगी। दोस्तों, अगर आप जो पर्सनल लोन ढूंढ रहे हैं तो आपको पर्सनल लोन नहीं मिल रहा है, आप हर जगह से आप अप्लाई कर रहे हैं बट रिजेक्शन आपको मिल रहा है, आपने हर एक जुगाड़ लगा लिया बट आपको कहीं से भी पैसे का जुगाड़ नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं आपको जो इसमें ए टू जेड समझाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें 3 लाख रुपए का यहाँ पर लोन अप्रूव हुआ है, जिसके आप देख सकते हैं लोन अप्रूव 3 लाख, जिसमें हमारी ईएमआई बनी है 14,404 की 24 महीने की ईएमआई है। इंटरेस्ट रेट हमारा 14% है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा कंप्लीट है। चलो मैं आपको इसके बारे में पूरा कंप्लीट समझा देता हूँ। हम चलते हैं वेबसाइट पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से हम आ गए वेबसाइट पर जिसका नाम है i2ifunding.com, ठीक है। इसका एक एप्लीकेशन भी है जो कि मैं आपको वीडियो को मैं बता दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर आप जैसे आएंगे, यहाँ पर क्लियरली उन्हें बता रखा है RBI रजिस्टर्ड NBFC P2P। P2P लेंडिंग ऐसी जो रहती है संस्था दोस्तों, इसमें आपको जो है कि बिना किसी सिविल स्कोर पर भी पर्सनल लोन मिल जाता है। यहाँ पर आपको कोई भी ज़्यादा जो है कि इनकम प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओनली अगर आप जो है कि आपका सिविल स्कोर भी कम है तो आपको जो है कि यहाँ पर इनकम प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर यहाँ पर जो है आपका दोनों कम है तो भी आप वीडियो देखिए, मैं आपको जो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं i2i फंडिंग RNVP टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रिजर्व RBI द्वारा रजिस्टर्ड NBFC है, ठीक है, जिसका सर्टिफिकेशन रजिस्टर्ड नंबर भी यहाँ पर दे रखा है क्लियरली। तो हम जो एक बात कर रहे हैं पर्सनल लोन की, P2P लोन क्या होता है दोस्तों, पीयर टू पीयर या फिर पर्सन टू पर्सन आपको मैं बताऊं तो इसका जो है हिंदी अनुवाद में आपको बताऊं तो इसमें आप जो है कि कोई इन्वेस्टमेंट करता है 1 लाख रुपए का, उस 1 लाख रुपए का जो है कि ये कंपनी दूसरों को लोन बांटती है, जिससे इंटरेस्ट जो आता है वो जिसने इन्वेस्ट किया उसको भी यहाँ पर अर्निंग होती है और कंपनी भी उसका कुछ परसेंटेज लेती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है कि ये पैसे कमाते हैं और हमें भी यहाँ पर लोन मिल जाता है बिना किसी यहाँ पर सिविल स्कोर पर। तो हम जो है कि यहाँ पर पर्सनल लोन पर करते हैं क्लिक, यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर कुछ फॉर्म है जिसके बारे में बाद में देखेंगे, पहले हम जो है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको मैं बताऊँ तो आप जो है कि इंडियन होने चाहिए, 21 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, आपके जो पास में जो कि बैंक अकाउंट होना चाहिए, एक पैन कार्ड होना चाहिए और 1 साल में आपको जो है कि 3 लाख रुपये आप मिनिमम इतने आपकी इनकम होनी चाहिए। अब आगे बढ़े हम तो डॉक्यूमेंटेशन में आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, डॉक्यूमेंटेशन हम देख लेते हैं। पैन कार्ड, परमानेंट पेमेंट एड्रेस प्रूफ, आपका जो है कि आधार कार्ड पैन कार्ड रहेगा तो आपका काम चल जाएगा। करंट एड्रेस प्रूफ, जिसमें आपका आधार कार्ड में भी काम चल जाएगा। सैलरी अकाउंट, इसमें 12 महीने का आपका जो है कि यहाँ पर जो है कि स्टेटमेंट मांग रहे हैं वो। सैलरी स्लिप 3 महीने की, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, उसके बाद में यहाँ पर जो है कि हाईएस्ट डिग्री सर्टिफिकेट और जो है कि आधार कार्ड, कैप्चर सेल्फ फोटोग्राफ, इसमें आपको जो है कि ये सब होना जरूरी है। तो यहाँ पर क्लियरली मैं आपको बताऊँ तो ये जो है ये सैलरीड पर्सन के लिए, ये सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, हमारा जो है कि दूसरा वीडियो आने वाला है उसमें आप वॉच कीजिए, वो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड में बिना किसी सिविल स्कोर पर मिल जाएगा। तो ये सैलरीड के लिए है खास, क्योंकि यहाँ पर जो है कि ये सब सैलरीड के पास में होता है। अब जो है कि यहाँ पर आपने सब कुछ देख लिया है, अब करना है क्या है, आप जो है कि इसका फॉर्म समझिए, इसमें अप्लाई किस प्रकार से करना है। यहाँ पर आपको जो है कि आपका फर्स्ट नेम डालना है, उसके बाद मिडिल नेम आपको अगर चाहे हो तो, या फिर लास्ट नेम डाल देना, आपका जेंडर आप सेलेक्ट कर लेना, आधार नंबर डालना है, पैन नंबर आपको डालना है और पासवर्ड आपको जो है कि यहाँ पर डाल देना, अगर पैन कार्ड आप सॉरी यहाँ पर पासवर्ड और पासवर्ड 2 यानी प्रोफाइल आपकी बन रही है तो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना होगा दोनों में मैच वाला, जनरेट पासवर्ड भी आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पर आपको जो ई मेल आईडी डालनी होगी, आपका इंडियन जो है कि मोबाइल नंबर डालना है, OTP से यहाँ पर वेरीफिकेशन आपको देना है, जो कि ईमेल और OTP आपको जो है कि मोबाइल नंबर दोनों से यहाँ पर वेरीफिकेशन देना होगा। अब आगे चले आगे मैं आपको जो है कि यहाँ पर आईएग्री बटन पर क्लिक करके सिंपली आपको जो है कि यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये सारी प्रोसेस कर देना है आपको। अब आगे की प्रोसेस मैं बताता हूँ आगे क्या आएगा आपको। जैसे आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे इसकी वेबसाइट से या फिर एप्लीकेशन से, आपको कुछ इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो है कि लोन अमाउंट डालना है, लोन अमाउंट टेन्योर आपको डालना है, उसके बाद में आपको पर्पस डालना है क्यों लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस चलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में आपको जो है कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आएगा आपको सारी स्टेप फुल करने के बाद में। तो यहाँ पर आपको मैं बताऊँ तो बेसिक रजिस्ट्रेशन जो हमने बताया है वो डालना है, पर्पस वगैरह आपका नाम, एलिजिबिलिटी आपको जो एक बता दी जाएगी, एलिजिबिलिटी आप कितना एलिजिबल हुए हैं लोन अमाउंट को, यूज़र डिटेल्स, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स और डॉक्यूमेंटेशन कुछ आपको देना होगा। लास्ट प्रोसेस आपकी 6 स्टेप में पूरी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैन कार्ड आपने दिया है, उसके बाद में यहाँ पर पैन कार्ड यहाँ पर अपलोड करना है, पैन कार्ड का PDF अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो यहाँ पर पासवर्ड भी डाल देना है,
आधार कार्ड यहाँ पर जो है कि नंबर लिखना है, उसके बाद में आपको आधार कार्ड भी यहाँ पर जो है कि अपलोड करना है, उसका भी पासवर्ड डाल के सिम्पली आपको जो कि सबमिट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट प्रोसेस में आपको जो है कि यहाँ पर जो मैंने बताया एलिजिबिलिटी आपको जो बता दी जाएगी, आप कितना एलिजिबल है, आपका लोन अमाउंट कितना आपको जो है कि बता रहा है, ये सब कुछ हमने आगे समझ लिया है। तो इस प्रकार से आपको जो है कि इस एप्लीकेशन से या फिर वेबसाइट से जो है कि पर्सनल लोन लेना है। जो एप्लीकेशन आप देख सकते हैं I2I फंडिंग पर्सनल लोन ऐप है, जिसका यहाँ पर जो है कि UI भी ऐसा का वैसा ही है जैसा हमने वेबसाइट पर देखा, जो कि इसका देख सकते हैं रिव्यू वगैरह जो ही कम ज़्यादा होते रहते हैं, बेड वगैरह अच्छे ख़राब आते रहते हैं। आप जो कि इसमें P2P है तो आप जो कि अप्लाई ज़रूर कीजिए, आपको कम सिविल स्कोर पर भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो बस इतना ही इस वीडियो में, मिलता है हम किसी और अनदर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।